हे फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल सुबाना नासिन। कैसे हो आप लोग? उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे और खैरियत से होंगे। तो आज हम आप लोगों को दिखाने वाले हैं अपना सेटअप कि मैं वीडियो कहाँ कहाँ पे बनाती हूँ तो और क्या क्या चीज़ें हैं मेरे पास वीडियो बनाने के लिए और किससे मैं वीडियोज़ बनाती हूँ, ये सारे डाउट आप लोग से क्लियर करने वाली हूँ जो कि बहुत रिक्वेस्टेड वीडियो था। तो चलिए हम आपको अपना सेटअप दिखाते हैं जो कि हम बैक कैमरा से ही आपको दिखा सकते हैं। अपना सेटअप है वो कोई फिक्स नहीं है, कभी मैं यहाँ पे बनाती हूँ। अभी ये थोड़ा मैसी है तो इसको इग्नोर करना। यहाँ पे मैंने बहुत सारे दुपट्टे रखे हुए क्योंकि आज हिजाब वाला वीडियोस बनाना है। और ये मेरा चार्जिंग सेक्शन है, कभी मैं यहाँ पे बैठ के वीडियो बनाती हूँ। और ये जो सेटअप है ये मेरा प्रॉपर है तो इसको मैं अभी लगा के आप लोगों को यहीं पर दिखाती हूँ कि कैसे लगाती हूँ। और फिर मैं यहाँ पे बैठ के भी वीडियो ये जो आप देख रहे हो यहाँ पे बैठ करके वीडियो बनाती हूँ। नात वाली वीडियो मोस्टली यही दरवाजे के पीछे ही बैठ के बनाती हूँ। और बात कर लेते हैं मेरे स्टैंड की। सो ये वाला है, थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है इस वाले स्टैंड पे बनाने के लिए क्योंकि ये जो है ना ये बहुत सही से स्टिक नहीं होता। ये रिंग लाइट है छोटा सा, ये मैंने एक छोटा सा रिंग लाइट लिया है, अंदर 1000 आपको मिल जाएगा ये रिंग लाइट। और ये एक ट्राईपॉड है मेरा जो कि 1200 रुपये में मैंने लिया था और ये बहुत ही अच्छा है। ये ट्राईपॉड पर बड़ा है, व्लॉगिंग के लिए आप इसको यूज़ नहीं कर सकते तो व्लॉगिंग मैं अपने हाथों से ही करती हूँ। और ये वाला जो रिंग लाइट है उसके साथ ये वाला स्टैंड मिलता है फ़ोन रखने वाला, तो इसका थोड़ा सा दिक्कत है बट हाँ काम चलाने के लिए ठीक है। आपके पास पैसे नहीं है, मेरे पास पैसे नहीं है तो क्या करूँ, मैं इसी को यूज़ करती हूँ फ़िलहाल। और आप पूछ रहे थे मैं कौन सा फ़ोन है मेरा, तो ये वाला फ़ोन यूज़ करती हूँ, ये Redmi Note 9 Pro फ़ोन। सो ये मैंने 1 साल पहले लिया था ये वाला फ़ोन जब मेरा वो वाला फ़ोन ख़राब हो गया था Note 5 Pro, वो अभी भी ख़राब है। बस उसको वीडियोज़ वगैरह बनाने के लिए, वीडियोज़ वगैरह देखने के लिए यूज़ करते हैं, वीडियोज़ उससे बनता नहीं तो इसीलिए ये वाला फ़ोन मैंने लिया था। अब ये फ़ोन भी प्रॉब्लम देने लग गया है पूरा 1 साल होने के बाद। आजकल का फ़ोन ना आपका 1 साल के बाद सही से चलता नहीं है, बहुत प्रॉब्लम देता है। तो यही है मेरा सेटअप। और भी मैं कहीं भी जाकर वीडियोज़ बना लेती हूँ, मोस्टली वहीं पर बैठ के या फिर यहाँ पर बैठ के। और मेरा आपने रिंग लाइट तो देख ही लिया, छोटा सा है क्योंकि ज़्यादा बड़े बड़े सामान नहीं है मेरे पास, छोटे मोटे ही सामान है, इन्हीं छोटे मोटे चीज़ों से ही मैं अपना वीडियो क्रिएट करती हूँ। और हाँ, वीडियो बनाने के लिए ज़रूरी नहीं है कि आपके पास एक बड़ा फ़ोन होना चाहिए, फ़ोन तो ज़रूरी है, कैमरा क्वालिटी भी ज़रूरी है, लेकिन क्या बोलते हैं कि ये सेटअप एक होना ज़रूरी है। अगर आप ब्लॉग शूट करते हो जहाँ अभी ट्रैवलिंग करके तो वो चीज़ सही है। और बाकी जैसे कि अगर कोई चीज़ के लिए हम वीडियो बनाएं जैसे मेकअप वीडियो या कोई चीज़ का शूट करें तो उसके लिए सेटअप एक ज़रूरी होता है, तो मेरा यही सेटअप है। और ये वाला मैक्रम आर्ट आप देख रहे हो तो ये मैंने बनाया है। सो इतना ही सा सेटअप होता है, सो काफ़ी होता है, ज़्यादा ज़रूरी नहीं है। कभी कभी यहाँ पे भी बैठ के बना लेती हूँ, मेरे रूम में हर जगह मैं कहीं पे भी बैठ के बना लेती हूँ। प्रॉपर एक सेटअप मेरा नहीं है मतलब, लेकिन मैं वो वाला सेटअप एक फ़िक्स करके रखा है कि अगर मैं कोई सामान या फिर कोई चीज़ का वीडियो बनाऊँगी तो वो वाला मेरा होगा सेटअप। तो मेरे सेटअप में कुछ नहीं है, मैंने बस एक ब्लैक पर्दा परचेस किया था एंड ये सब
थोड़ा सा खर्च करना ज़रूरी होता है। और मैं एक बात आपको अपना एक्सपीरियंस बता दूं कि अगर आप चाहते हो ट्राइपॉड लेना तो 300 वाले पे बिल्कुल इन्वेस्ट मत करना। मैंने 300 वाले पे फर्स्ट इन्वेस्ट किया था और वो बिल्कुल टूट गया, फिर दोबारा मुझे पैसे लगाने पड़े, तो फिर मैंने ये वाला ट्राइपॉड लिया। और रिंग लाइट की बात कर लूँ तो रिंग लाइट ठीक ही है, ओके ओके है, ये छोटा वाला रिंग लाइट सही है अगर आप वीडियो बनाते हो तो, क्योंकि बड़ा वाला रिंग लाइट का प्राइस 3,000-4,000 है, उतना तो हम ले नहीं सकते, तो उतना तो मेरे पास है ही नहीं, उतना तो मैं ले ही नहीं सकती बिकॉज ना यूट्यूब की इनकम है और ना ही कहीं से इनकम है, तो फिर बड़ा वाला मैं रिंग लाइट नहीं ले सकती। तो बस मेरा यही है सेटअप और रिंग लाइट वगैरह यही है, आप लोगों का जो डाउट था वो क्लियर कर दिया। अब इसके बाद मैं वीडियो कैसे एडिटिंग करती हूँ, ये वाला वीडियो भी आप लोगों के लिए जल्दी आने वाला है, और थंबनेल कैसे क्रिएट करती हूँ वो सब वीडियो आप लोगों के लिए लाने वाली हूँ ताकि आप लोगों के लिए हेल्पफुल हो। सो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा हो, तो चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, अल्लाह हाफिज़, दुआ में याद रखें।